बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी, भारी सहमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने काम किया है, विपक्ष के नेताओं की खाट खड़ी है। गांव वाले विपक्ष के लिए खाट खड़ी कर देते हैं, बीजेपी वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुनव्वर राणा पर बोले, 10 मार्च को वह लखनऊ से जाएंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। अखिलेश के हेलीकॉप्टर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वे टाइम पर पहुंचे इसलिए यात्री विमान नहीं मिला, उड़ान के समय पर नहीं पहुंचे इसलिए उन्हें उड़ान नहीं मिली। वे भी आज हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, कार से आए हैं, इसका मतलब किसी को दोषी दें? यूपी में कोई भेदभाव नहीं है। अब्दुल्ला आजम की सुरक्षा पर कहा कि सबकी सुरक्षा की सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लहर चल रही है, लोगों को सरकार के काम का लाभ मिला है। वहीं संबल पर कहा कि 29 साल बाद संबल का परिदृश्य बदलने लगा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी संबल सीट जीत रही है। डिप्टी सीएम ने यहाँ मतदाताओं से संवाद किया तथा डोर टू डोर संपर्क किया। सर वो ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम लोग निकले हैं। अभी हम मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र और देहात क्षेत्र का संवाद करने के बाद और घर घर जनसंपर्क करने के बाद अब मुझे यहाँ पर मिला है और कार्यकर्ताओं का गजब का उत्साह देखकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 29 साल बाद इस विधानसभा का परिदृश्य बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं परसों अलीगढ़ था, उससे पहले गाजियाबाद था, उससे पहले नोएडा था, उससे पहले और शहरों में था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पक्षी लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज बह रही है और उसका मूल कारण ये है सर, अखिलेश और आज उसका मूल कारण ये है कि जनता के पास जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां पहुंची हैं, जनता का सहज आकर्षण बढ़ा है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस मिला लो, इनका योग 3 अंकों में नहीं होगा और बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी और भारी बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा मैं आपसे कहता हूं। सर मेरा एक सवाल, सर जयंत तो भी अखिलेश निकले हुए हैं लगातार वेस्ट यूपी में, बीजेपी के नेता भी निकले हुए हैं, आप भी यहाँ अमित शाह जी भी हैं, तो ये आखिर इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्या बीजेपी को लग रहा है मजबूत चल रहे हैं? बीजेपी ने काम किया है और ये विपक्षी के कार्यकर्ताओं की खाट खड़ी है। खाट खड़ी का मतलब ये है कि जहाँ जाते हैं जो खटिया होता है ना चारपाई, वो गांव वाले चारपाई पहले ही खड़ी कर देते हैं, उनको बैठने तक का स्थान नहीं मिलता है। और बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता पहुंच रहे हैं तो आरती लेकर जिस प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अभूतपूर्व दृश्य मैंने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में राकेश का कहना है कि जिन्ना और पाकिस्तान चुनाव में है। अरे क्या है भाई, मैंने उनका बयान सामने से, लेकिन आज किसान हमारी प्राथमिकता है और बीजेपी का कृषि और किसान किसान ये हमारी प्राथमिकता के आधार। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर हो रहा है। पीछे कर लो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं आ पा रहा है। किसान पर आधारित सर आज एक सवाल और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर आज ये बयान आया है सर मुनव्वर राणा का, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अच्छे आदमी हैं लेकिन योगी अच्छे आदमी नहीं है, अगर योगी दोबारा सरकार में आते हैं तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे दुख होगा कि जब वो लखनऊ से छोड़ के जाते 10 मार्च के बाद दिखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 मार्च को जब वो लखनऊ से जा रहे होंगे, पलायन कर रहे होंगे, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो अगर ऐसा कहा है तो निश्चित रूप में 10 मार्च को तो योगी जी आने ही यार ये बात, और आएंगे, अगर वो जाएंगे तो मुझे दुख होगा। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने अपनी सुरक्षा खतरा बताया, नहीं सभी की सुरक्षा पार्टी सरकार सुनिश्चित करेगी, अगर कोई भी प्रत्याशी बनाता है तो चुनाव आयोग का एक नियम है। सर अंतिम परिणाम क्या आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अंतिम परिणाम क्या होंगे जिस पर नजर रख सकते हैं, क्या अंतिम परिणाम आएंगे चुनावी परिणाम? मैंने कहा ना अंतिम परिणाम है कि पिछले से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। अरे यार तो और विपक्ष अपना पिछला रिकॉर्ड पूरा नहीं कर पाए। सर अखिलेश जी कह रहे हैं परेशान किया जा रहा है, हमारा हेलीकॉप्टर रोका जा रहा है, ये बीजेपी की हताशा है, इसके लिए क्या? अब आज आपको पता होगा मुझे हेलीकॉप्टर से आना था जी, आपको पता है ना जी, ATC की क्लियरेंस नहीं मिली और मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर आकर बयान दूँ कि मुझे हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो ये मेरी
मेरा अनभिज्ञता होगी। और कल जिस हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है, यात्री विमान जब भी होता है उसमें सैकड़ों की तादाद में यात्री होते हैं। अच्छा, जिन्नाओं का नाम वीआईपी व्यवस्था नहीं, उसमें प्राथमिकता होती है, पहले यात्री विमान को दिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा मोमेंट होता है। सर, जिन्ना और गन्ना में कितना अंतर रहेगा उत्तर प्रदेश में? 15 मिनट का किसी का लेट हो गया, जिस समय पहुंचना था लोगों को उस समय वो अपने उड़ान पे पहुंचे नहीं।